हाय फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक में डॉक्टर आशुतोष दा डायरेक्टर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी। दोस्तों, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो ये है कि एज के साथ में आपके आईलिड में बहुत चेंजेस होते हैं। पहला चेंजेस है आईब्रो नीचे आना, दूसरा स्किन की लेक्सिटी हो जाना, तीसरा कि अंदर जो आईबॉल के सपोर्ट के लिए फैट है वो फैट को प्रोट्रूड होना। ये तीनों चीज़ों को होने की वजह से आपकी अपर लिड नीची दिखती है। आप स्माइल करो तो भी आंख खुलती नहीं है। आप नहीं सो रहे हो, आपकी नींद पूरी भी हो गई तो भी लोगों को लगता है कि आप नींद में हैं। तो ये सबको क्लीन करने के लिए, आपके चेहरे को फ्रेश लुक देने के लिए अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की जाती है, जिसमें आपकी आईब्रो को भी अच्छे से फिट किया जाता है, आपकी आंख जो नीचे ढल गई है उसको भी फिक्स किया जाता है, आपकी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्किन बनी हुई है वो स्किन और मसल को टाइट किया जाता है, स्किन निकाल के नए सिरे से इस तरीके से सुचर किया जाता है कि आपकी ये जो फोल्ड पड़ता है वो फोल्ड में ही स्कार आता है तो बाद में दिखता नहीं है, और जो एक्स्ट्रा फैट यहाँ पे प्रोट्रूड कर रही है उसको भी हम निकाल देते हैं। मैंने आपकी आंख को एक अच्छा सा फ्रेश लुक देने के लिए ये ऑपरेशन है। लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है या सीडेशन के साथ में या जनरल एनेस्थीसिया के साथ में भी हो सकता है। डे केयर प्रोसीजर है, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। करीबन 5 से 6 दिन हल्का सा सूजन आता है और धीरे धीरे ये सूजन उतर जाता है। स्टिचेस जो होते हैं वो हम 7th या 8th डे को निकालते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको 1.5 से 2 महीने में बहुत ही अच्छा मिलता है। स्कार भी ज़्यादातर विजिबल नहीं होता है, समय के साथ स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल जैसा हो जाता है। ये प्रोसीजर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक अडाजन में और वेसु में सूरत में है, वहाँ पे आप पर्सनली आ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पे पेड टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अगर ये माहिती आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।